एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। आज यहाँ झारखंड का वीर भूमि धरती आबा के इस पावन धरती पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से आयोजित ये महिला सम्मेलन में हमारे साथ उपस्थित मंच पर परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय राज्यपाल झारखंड श्री सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे साथ उपस्थित यहां केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, यहां उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, यहां उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं जल शक्ति के श्री विश्वेश्वर टुडू जी, यहां उपस्थित हमारे खूंटी के स्थानीय विधायक आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, हमारे तोरपा विधायक कोचे मुंडा जी, हमारे तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा जी, हमारे साथ उपस्थित महिला कल्याण मंत्री जुबा माझी जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और विशेषकर यहां आई हुई बड़ी संख्या में हमारी महिला समूह के दीदियों, प्रिंट मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी ओर से आप सभी को जोहार करता हूं। आज यहां केंद्र सरकार के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित की गई है ट्राइफेड के माध्यम से, जो मुख्यतः आदिवासी समुदायों के बीच में ये काम करता है। आदिवासियों को वन उपज का सही मूल्य कैसे मिले, उसका बाजार कैसे हो और हमारे आदिवासी भाइयों को आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध हो, इस विषय पर ये विभाग काम करती है। आज संयोग से ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का पूरा मंत्रालय खूंटी पर, सभी मंत्री यहां उपस्थित हैं केंद्र सरकार के और लगभग सभी पदाधिकारी भी यहां उपस्थित हैं। ये बहुत गौरव की बात है और मैं चाहूंगा कि जिन आदिवासियों के संदर्भ में हमारी इतनी बड़ी केंद्र और राज्य सरकार की मंत्रालयें काम करती हैं, वहीं आज भी हमारे आदिवासियों के लिए, उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए, उनके आय के स्रोतों को बढ़ाने की जो चिंताएं हैं
और जो चिंतन मंथन हम करते हैं उसका प्रभाव, उसका असर बहुत अच्छा दिखता है, यह हम कह नहीं सकते। आज के दिन भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग कई चुनौतियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन की हमारी पहचान, वहीं ये राज कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम के नाम से भी जाने लगा है। यहां के खनिज संपदाओं से पूरे देश के घरों की रोशनियां जलती हैं। आज भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, वनों में रहते हैं, आज भी दो वक्त की रोटी जुटाने में भी जद्दोजहदें करनी पड़ती हैं। कोरोना काल का समय था जब राज को एहसास हुआ का इतना बड़ा समूह में यहां से लोग पलायन करते हैं अलग अलग राज्यों में। और उन आंकड़ों को देखकर मैं बहुत चिंतित रहा, बहुत जद्दोजहद कर अपने उन मजदूर भाइयों को वापस लाने का तो काम किया। और जब हमने इस विषय पर आगे बढ़ने का कोशिश किया और चिंतन मंथन करने की कोशिश की तो पता चला कि राज अलग होने के 20 साल बाद भी आज के दिन में कोई ऐसे सार्थक प्रयास हमारे यहां के आदिवासियों के बीच में नहीं हो पाया। आप लोग लैम्स, पैक्स, वन समिति के नाम को आप लोगों ने सुना है, किस तरीके से ये स्थिति में है ये छुपी हुई बात नहीं है। ये सभी चीजें कागजों पर, हमने इसी दिशा पर इससे पहले कोई सक्रिय महासंघ या सक्रिय फेडरेशन यहां बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा हो ये नहीं कहा जा सकता। हां, यह जरूर भले है कि एक हम मुख्य अतिथि के रूप में कहीं जाए तो पदाधिकारीगण कुछ स्टॉलें लगाकर हमें जरूर दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम ये उत्पाद करते हैं, वो उत्पाद करते हैं, हमारे समूह ये उत्पादन करती है, वो उत्पादन करती है, लेकिन इसकी वास्तविकता जमीनी स्तर पर बिल्कुल इससे अलग है। मैं भी कई जगहों पर सभाओं में जाता हूं, कई झांकियां देखता हूं, लेकिन मैं उन झांकियों के सामने से नहीं बल्कि उनको झांकियों के पीछे से देखने की कोशिश करता हूं आखिर इसकी असलियत क्या है, इसका लाभ हम कितने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आज आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जब से ट्राइबल वेलफेयर बने हैं, इनके आने के बाद तो थोड़ा बहुत सक्रियता ट्राइफेड के अंदर यहां पर दिखा है। और मैं आशा करता हूं कि जब तक ये मंत्री रहेंगे झारखंड को इसका लाभ मिलेगा। आज इसी कड़ी में हमने सिद्धू कानू कृषि वन उत्पादक वन उपज महासंघ का गठन किया है। बड़ी तेजी से इस महासंघ को हम लोग सक्रिय करने में लगे हैं। लगभग
सभी पंचायत की समितियों को, यूनियनों को इसको गति देने के लिए राशि भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया। हम लोगों ने बड़े पैमाने में महिला समूह यहां बना रखा है, जो आप यहां महिला समूह का एसएचजी समूह देख रहे हैं। पूरे राज्य में लगभग 225 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारी चलती हैं, जिसमें लगभग 22 लाख महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ रखा है और विभिन्न माध्यमों से हम लोग इनको आर्थिक सहायता देकर उनके जो उपज है उन उपज का सही मूल्य उसको कैसे मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। आप लोगों ने प्लास ब्रांड का नाम सुना होगा। इस प्लास ब्रांड को हम लोगों ने बनाया और इसका मार्केटिंग हम लोगों ने शुरू किया है और इतना अच्छा इसका आज के दिन में मांग बढ़ा है कि उसके अनुपात में आज उत्पादन उससे कहीं ना कहीं बहुत कम है। हमें इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज कुछ आंकड़े को मैं देख रहा था, आज अगर हम देखें इस राज्य में 14,000 से अधिक गांव ऐसा है जो वन उपज से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। 14,000 से अधिक गांव है जहां कई वन उपज जैसे लाह, तसर, चिरौंदी, इमली, शहद, साल बीज, करंज, बेहड़ा जैसा कई वन उपज उपजते हैं, लेकिन बेचारा आज उस किसान को उसके बारे में बहुत चिंता होती है जब बिचौलिया उससे औने पौने दाम पे उसे वो वन उपज खरीद कर बाजार में महंगे दामों में बेचता है। जहां तक हम एमएसपी की बात करें, ये भी आज के दिन में थोड़ा चिंता का विषय है। लाह का एमएसपी आज के दिन में 240 से 280 रुपया है, लेकिन बाजार में बिकता कितना है? 1100 रुपया में, 1200 रुपया में। अगर हम करंज का नाम ले तो 35-38 रुपया एमएसपी है और 22 रुपया है, 21-22 रुपया है और बाजार में 38-40 रुपया में बिकता है। अगर हम शहद को ले, हम लोग का शहद 210-220 रुपया में खरीद बिक्री होता है और बाजार में 450-500 रुपया में लोग बेचता है। ये कैसा लाभ हम इससे कैसे अपने आदिवासी भाइयों को मजबूत कर पाएंगे? इसीलिए हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया है, सिद्धू कानू फेडरेशन का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से इन सभी वन उपजों का जो महिला समूह संग्रहण कर रही है उनको इस फेडरेशन के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा और बाजार मूल्य के बराबर हम उन सही समूहों को मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा। आज कई चुनौतियों के साथ इस बाजार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज कोई भी वन उपज से जुड़ा प्रोसेसिंग यूनिट आज के राज्य स्तरीय में बड़े पैमाने पे जो होने की आवश्यकता है वो भी अभी कम है। आज छोटा छोटा मशीन आने लगा। अभी कुछ दिन के बाद एक हम लोग कृषि मेला लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जहां किसानों को बड़े पैमाने पर जो आप मूढ़ी बनाते हैं और तरह तरह के चना भूंजते हैं और बाजार में बेचते हैं, वो सब मशीन में बचता। आज के दिन में मूढ़ी बनता है, पहले तो बालू में लोग घाट के बनाता था,
इसीलिए बातें बहुत है, समय का अभाव है, आदरणीय महामहिम को जाना भी आगे के कार्यक्रमों में। मैं कुछ बातों को अंकित करना चाहूंगा, चूंकि इस देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठी एक आदिवासी समुदाय की हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया यहां हमारे राज्य में पहले राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया और देश के आदिवासियों को दिशा देने का भी मार्ग प्रशस्त कर रही है। इस राज्य के कुछ बहुत ही मैं कहूंगा कि आदिवासी समुदायों के लिए जीवन वरण की मांग है, उन सब को कृपया अगर केंद्र से स्वीकृति दिलाई जाए तो निश्चित रूप से इस राज्य के आदिवासियों का वजूद बचेगा। जैसे हम लोगों ने सरना धर्म कोड के बारे में भी कहा, वो भी केंद्र को भेजा है और इस राज्य में जो हो मुंडारी के कुड़ुक है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए ताकि यहां के आदिवासियों का मान सम्मान और उनका वजूद बच सके और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ बिल्कुल कदम से कदम राज्य सरकार मिलाने के लिए तैयार है और हमारा पूरा प्रयास है कि राज्य के आदिवासियों को आने वाला समय में इनको पहचान के साथ इनकी सभ्यता इनकी संस्कृति के साथ आगे बढ़ाने का जो हम लोगों का संकल्प है, भाषा और भाषा के साथ निश्चित रूप से ये हमारे पहचान का प्रतीक है, इन्हें भी आगे ले जाने का काम करना होगा और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र से भी हमें काफी उम्मीदें हैं और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री से तो बहुत ज्यादा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो उसके मंत्री हैं वो हमारे ही राज्य से आते हैं। तो आदरणीय बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी से आग्रह करेंगे कि विशेष रूप से इस राज्य के प्रति आपका लगाव होना चाहिए ताकि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, यहाँ के आदिवासियों को बड़े पैमाने पर मौका मिल सके। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।